हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के ओल्ड बुक के क्वेश्चन। मैं आपको बता ही चुका हूँ, न्यू एनसीईआरटी पे एतबार ना करना, कभी भी धोखा दे सकती है, ध्यान रखने बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस। एरिया ऑफ रीजन निकालना जो किसके थ्रू बाउंड हो, एक्स स्क्वायर 4y, y = 2 and y = 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, बेटा किसकी इक्वेशन होती है, अपवर्ड या राइट वर्ड, सोच के बताओ। पक्का मेरे को सुनना यही था बेटा, अपवर्ड ही होता है, राइट वर्ड नहीं होता। मेरे को सुनना था यार कि मेरा अपवर्ड बोलना है और राइट वर्ड बोलना कंफ्यूज कितने होते हैं। एक सिंपल पहचान बताता हूँ इसकी, जहां पावर लीनियर, लीनियर समझते हो, पावर वन है, उधर की डायरेक्शन में बनता है, यानी कैसे बनेगा ये, क्लियर होगी बात। आगे y = 2 क्या हो गया, y = 2 का ग्राफ ये बनेगा, यस और नो? नो, ठीक। मेरे को उम्मीद थी यहां पर भी ऐसा आएगा। y = 4 का ग्राफ, अब एरिया निकालना है किसके थ्रू, ये 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 और y एक्सिस। ठीक है, मैं एक पॉइंट मैंने इस पर करना था कंफ्यूज, चलो आपने पहले बोल दिया। यहां लिखा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो मेरे को बता सकते हो शेडिंग कहां तक रहेगी, अगर ये वर्ड ना लिखा होता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पूरा रहता। अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है शेडिंग कहाँ तक रखनी है, फर्स्ट, तो ये वाला आ गया, यस और नो? अब बताओ करूंगा कैसे, फिगर तो बना ली मैंने, बोलो बेटा। पहले हम मेंशन कर देने आपसे वाई वाई एक्स एक्स डैश y डैश 0, y = 2, y = 4 एंड x² = 4y, राइट। अब ये जो मेरा ग्राफ है बेटा, खुद बताओ शेड करने के लिए कौन सी स्ट्रिप लेनी होगी, सांची बताओ बेटा कौन सी स्ट्रिप लेनी होगी, बेटा ये शेडिंग शेड अब कैसे पहचानते हैं, याद है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कैसे मैंने लास्ट टाइम सांची को याद बताया था, यहाँ पे रखो पॉइंट, अब देखो शेडिंग कितनी तरफ करनी पड़ेगी ऐसे, तो कौन सी स्ट्रिप बन रही है हॉरिजॉन्टल, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, तो टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, लिमिट 2 से 4 क्या x से dy, वाई एक्स कहां से निकालूंगा, एक मिनट आपने क्या बोला, ओके गॉट इट, y = x² / 4, राइट बेटा क्या करके दिखाऊं पूरा, ओके राइट 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 कामना इज राइट दिस टाइम, कि यहां पर तो x चाहिए ना मेरे को बेटा, x dy ना, एक्स निकालूंगा ना, तो एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 4y, दैट इज 2√y, 2 से 4, 2 बाहर कर दू कॉन्स्टेंट है, और रूट वाई सॉल्व करना आता है रूट वाई को, कैसे करेंगे बेटा, y की पावर 1/2 dy, डू इट योर सेल्फ, ये था पॉइंट, क्लियर, ओके। क्वेश्चन 2 सेम है, अब आएगा नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन नंबर 6, बेटा ध्यान समझना, इसको समझाने से पहले कुछ पॉइंट करने हैं आपको लाइंस के रिगार्डिंग, क्या कहीं पे लाइंस लिखवाई है अभी तक मैंने, नहीं लिखवाई, लिखवाई थी, चलो मैं एक जगह पर सारी लाइंस लिखवा रहा हूँ, पर इसको पूरा सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग भी।
टू कितना हो जाएगा मेरा ये वाई की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू राइट, लिमिट टू से फोर टू, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल क्योंकि कॉन्स्टेंट है सीधा बाहर ही कर दूं थ्री बाय टू टू इंटू टू बाई थ्री वाई की पावर थ्री बाय टू टू से फोर। अब क्या डालूंगा सर सॉल्विंग देख लो, पहले y आ जाएगा फोर, फोर की पावर थ्री बाय टू माइनस टू की पावर थ्री बाय टू। अब कई बच्चों को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसे तो मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर यस और नो, ठीक है ये कट गया इससे टू की पावर थ्री बाय टू। अब ये कितना हो गया फोर बाय थ्री टू की पावर थ्री एट, और टू की पावर थ्री बाय टू कितना होता है बताओ कैसे क्लियर है, तो कॉमन ले लो बेटा कॉमन क्या जाएगा टू बाहर, बाहर क्या हो गया एट बाय थ्री, अंदर क्या रह गया फोर माइनस रूट टू। अभी भी कॉमन आ सकता है हाँ क्या रूट टू एट रूट टू बाय थ्री टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट रूट टू माइनस वन टू नहीं बेटा टू रूट टू रूट टू लिया था ना कंफ्यूज, बेटर रहेगा यहाँ छोड़ो जितना कॉमन ले सकते हो उतना। बोलो बेटा क्लियर है डाउट करो ऐसे नोट।